हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है और सब्सक्राइब करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक घंटी वाला आइकन आएगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे और आप मेरा वीडियोस तुरंत देख सकें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ये देखिए, मेरी चांदनी के पेड़ में एक चिड़ियों का प्यारा सा घोंसला और दो छोटी छोटी सी चिड़ियाँ। लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, आर्टिफिशियल है। मैंने गार्डन में एक छोटा सा डेकोरेशन किया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। तो ये मैं एक मुझे ये जो एक नेक्स्ट है ये मुझे मिल गया था, ऐसे पड़ा हुआ था गार्डन में। किसी कोई चिड़िया वगैरह जो थी वो चली गई होंगी, तो उसके बाद में ये वहाँ के माली ने निकाल के फेंक दिया हुआ था। तो इसको मैं ले आई अपने साथ में और मैंने इसको ला के मेरे डबल चांदनी के पेड़ में देखे इस तरीके से इसको सेट कर दिया। और इसके साथ साथ इसमें दो छोटे छोटे से लव बर्ड्स भी बैठा दिए हुए और साथ में उनके छोटे छोटे से एग भी रख दिए हुए। तो ये मेरे प्लांट को और मेरा जो ये गार्डन है, जो मेरा बालकनी का गार्डन है, इसको कंप्लीट कर रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम नेचुरल वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें बहुत कम देख पाते हैं इस तरीके से कि नेक्स्ट है और उसमें चिड़िया है, घोंसला है। ये चीज़ें सभी को एक्साइटेड बहुत करती हैं। जब भी हम लोग छोटे थे, मैं तो अपनी बता रही हूँ, मैं छोटी थी और कभी इस तरीके से हम लोगों के पेड़ों पे घोंसले होते थे, तो हम लोग चढ़ चढ़ के देखते थे कि देखे इसमें अंदर क्या है, कैसा है। तो पता नहीं क्यों ये बचपन से ही मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था ये चीज़ें कि इस तरीके से देखना, और मुझे लगता है ये सभी को बड़ा अच्छा लगता है। तो ये एक आपके लिए गार्डनिंग आइडिया था अपने गार्डन को कंप्लीट करने के लिए। ये देखिए, मेरा ये बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, पॉट में ही लगा हुआ है काफ़ी, पर काफ़ी अभी इतना तो घना है कि इसमें, और प्लस इसमें ब्रांचेस भी ऐसी थी, मैं काफ़ी पेड़ों में अपने सेट करके देख रही थी कि कहाँ पे ये सेट हो जाएगा। पहले मैंने इसको अपने रूफ में भी चेक किया, पर वहाँ पे भी किसी प्लांट में ये हुआ नहीं मेरे सही से। ये वाले में मेरे बड़े अच्छे से ये सेट हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना कि इसी में ऐसे कर लिया जाए। तो बस आज का वीडियो बस छोटा सा था, ज़्यादा कुछ भी नहीं। प्लांट्स के रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो वो आपको दिखाऊंगी, पर ये एक छोटा सा आइडिया भी था आप लोगों के लिए। और जो मेरी गार्डनिंग में थोड़ी सी कमी रह गई थी, जो सुंदरता कम कर रही थी मेरी गार्डनिंग की, जो मेरे गार्डन को, प्लांट्स को, जब तक उसमें चिड़िया वड़िया ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता। तो वैसे तो आप जब सुबह उठिए तो आपके गार्डन में खूब सारी हनी बीज वगैरह होंगी और बटरफ्लाइज होती हैं, पर ऐसे कुछ भी नहीं रहता है। दिन में जब इतनी गर्मी हो रही है तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये मैंने एक लगा लिया हुआ है अपने सामने देखने के लिए, और मैं इनको दाना पानी भी दे दूंगी शायद लेकिन हाँ, मैं अपनी चिड़ियों के लिए रखती हूँ यहाँ पे मैं हमेशा पॉट रखती हूँ, एक दाने के लिए और एक यहाँ पानी के लिए। अभी देखिए पानी सूख चुका है, पूरी शाम हो गई है क्योंकि, और सारा पानी इसमें सूख गया है। और इसमें मैं दाने रखती हूँ और वो सब चपाचट हो जाता है शाम तक। तो आप भी अपने गार्डन में रखिए ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर। अगर चिड़ियाँ वहाँ पे आती हैं तो अपने प्लांट्स के पास में जहाँ पे आपको लगता है कि, देखिए इधर भी रखते हैं, मतलब जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि चिड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं, कोई भी जानवर है, इवन आपके यहाँ गाय भैंस वगैरह भी अगर आते हैं तो उनके लिए भी आप पानी रख सकते हैं इन गर्मियों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं। और चिड़ियों के लिए तो स्पेशली रखिए, आप केवल प्लांट्स की ही केयर नहीं कीजिए, प्लांट्स को ही मतलब वो मत कीजिए पानी दीजिए, आप जिसको पॉसिबल है उसको पानी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा फर्ट है चिड़ियों के लिए, आप पानी रखिए ज़रूर से ज़रूर। सुबह एक बार भर के जाया कीजिए, शाम को भी एक बार आके भर दीजिए, क्योंकि वो पॉट हमेशा खाली हो जाता है। और अपने रूफ़ में रखिए, अपने टेरेस, अगर आपका टेरेस गार्डन है वहाँ रखिए, या फिर अपनी बालकनी में वगैरह में रख दीजिए। तो मैं भी अब जा रही हूँ अपने फिर से इनमें डालने, और हाँ अपने चिड़ियों के लिए थोड़ा खाना भी रख दीजिए ताकि उनको दाना पानी टाइमली मिल जाए। तो आज का वीडियो बस इतना ही दिखाने के लिए था, शायद आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा।
ये आइडिया, अगर आपको भी कभी ऐसा कुछ मिल जाता है तो आप भी अपने प्लांट्स में इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके रख सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, होपफुली कि जितने भी नेचर लवर होंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और मेरा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।